Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta again, your English teacher, and today we are going to start a new lesson of unit 6. In the last lesson what we read about a donkey and a pony. To humne last lesson mein kya padha tha, ek donkey ki poem padhi thi aur ek pony ki poem padhi thi, jiska theme kya tha, that we should be kind to animals. Hame kya hona chahiye, animals ke sath kind hona chahiye. Poem ki jo theme thi usme humne kya padha tha ki we should be kind to animals. Ye story jo hai ye bhi ek animal ki hai, aur wo animal kaun hai? Yes, cow. Aur kiski cow bhai? Milkman's cow. Milkman ke cow ki, जो गाय वाले होते हैं, जो ग्वाले होते हैं दूध देने वाले, उनके उसके काऊ की स्टोरी है, द मिल्कमैन्स काऊ. ठीक है, और हम देखेंगे इस स्टोरी में कि जो अलग अलग प्रोफेशंस के बारे में भी बताया गया है. ठीक है ना, जो 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 दूसरे दूसरे प्रोफेशंस होते हैं वो भी, और इस काऊ के साथ क्या होता है. ठीक है, क्यों ये स्टोरी जो है हमारी, जो पहली थीम थी दैट वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, तो इवन स्टोरी भी वही है. स्टोरी की भी थीम क्या है, दैट वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स. ठीक है, तो थीम जो है इसी थीम पर ये स्टोरी भी बेस्ड है. तो देखते हैं कि काऊ के साथ आखिर ऐसा क्या हो रहा था कि हमें काऊ के साथ हमें काइंड होना चाहिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट. द मिल्कमैन्स काऊ वॉज इन अ बैड मूड. मिल्कमैन की जो काउ थी वो कैसे मूड में थी भाई? बैड मूड में थी. मिल्कमैन कौन होता है? ग्वाला होता है, जो हमें दूध देता है. ठीक है, तो ग्वाले की जो काउ थी वो कैसे मूड में थी? बैड मूड में थी. ठीक है, बैड मूड में थी ग्वाले की काउ. क्यों थी भाई बैड मूड में, तो वो भी जान लेते हैं. वो इसलिए बैड मूड में थी क्योंकि नहीं क्यों नहीं बताया है, वो बैड मूड में थी, बस उसका आज मन किया था बैड मूड में होने का. ओके, तो इट सैट इन द मिडल ऑफ द रोड एंड रिफ्यूज टू मूव. और वो बैड मूड में थी, कैसे पता चल रहा था? क्यों? क्योंकि वो रोड के बीच में बैठ गई थी और वहां से वो हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी. इट सैट इन द मिडल ऑफ द रोड एंड इट वोंट मूव. ठीक है, इट रिफ्यूज टू मूव. द मिल्कमैन बेग्ड द काउ टू गेट अप. तो मिल्कमैन ने बहुत कोशिश की, बहुत मिन्नतें की उससे कि हे काउ प्लीज उठ जाओ. ठीक है, द चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर देयर मिल्क टू हेल्प देम ग्रो स्ट्रॉन्ग. बच्चे अपने दूध का इंतजार कर रहे हैं. कौन से दूध का? जो उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जो उन्हें ग्रो करेगा. कैसे? स्ट्रॉन्ग बना के ग्रो करेगा. ऐसे दूध का इंतजार कर रहे हैं, और वो दूध उसे कहाँ से मिलेगा? वो दूध उसे इस काऊ से मिलेगा. लेकिन काऊ तो आज बहुत ही बैड मूड में है, और वो तो बीच रोड पे बैठ गई है, और बीच और वो उठने का नाम नहीं ले रही है. तो जब तक काऊ उठेगी नहीं, तब तक जो है दूध होगा नहीं. ठीक है ना, उठेगी तभी तो दूध निकालेगा उसमें से, और फिर वो बच्चों को पहुंचाएगा, है ना. तो वो इसीलिए कह रहा है कि प्लीज उठ जाओ और मुझे दूध निकालने दो. ठीक है, प्लीज गेट अप, ही प्लीडेड. ही पुल्ड एंड टक्ड एंड प्रेड. और उसने कहा कि प्लीज उठ जाओ. ठीक है, उसने बहुत मिन्नतें की, उसने कहा कि प्लीज उठ जाओ. फिर उसने खींचा. टक का मतलब क्या होता है? टक का मतलब भी वही होता है, खींचना. जो उसकी रस्सी होती है ना, टक, उसका जो गांठ होता है जिस रस्सी में बांधा हुआ, उसको बोलते हैं टक करना. टग ऑफ वॉर सुना है ना, जो रस्सी खींचने वाला जो रेस होता है उसको बोलते हैं टग ऑफ वॉर. तो उसी से ये वर्ड है टग, टग. ठीक है, तो इसका भी मतलब होता है खींचना. तो वो उसको उसकी रस्सी को पकड़ के क्या कर रहा है? टक किया हुआ है जो रस्सी, उसको पुल कर रहा है, खींच रहा है, और प्रे भी कर रहा है कि अरे प्लीज उठ जाओ ना, प्लीज उठ जाओ ना. ठीक है, बट द काऊ वाज़न्ट गोइंग एनीवेयर दैट डे. लेकिन गाय तो कहीं जाएगी नहीं उस दिन. उसने भी ठान लिया था कि मैं तो रोड पर ही बैठूंगी, मैं कहीं जाऊंगी नहीं आज. ठीक है, अलोंग केम अ पुलिसमैन. अब कौन आता है?
एक पुलिसमैन आता है। पुलिसमैन कौन होते हैं? हाँ, पुलिस वाले, ठीक है, जो चोर वोर को पकड़ते हैं या फिर जो झगड़ा वगैरह होता है तो उसको सलटाते हैं, उनको बोलते हैं। तो अब ये काऊ जो है वो रोड पे बैठी हुई है, तो पुलिसमैन आता है। हिज बटन्स एंड बकल्स ग्लीम्ड ब्राइट, और उसके जो बटन्स हैं, उसके जो उसने जो शर्ट पहनी हुई है, जो ड्रेस पहनी हुई है पुलिस वाली, उसके जो बटन्स हैं और उसके जो बेल्ट में बकल लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है? ग्लीमिंग ब्राइट, वो बहुत ही चमक रहा है, ठीक है। इट इज ग्लीमिंग ब्राइट, हम ही सेड ट्विलिंग हिज लॉन्ग मस्टैच, और वो कहता है कि ही, और फिर वो अपने मूंछों को ऐसे करके, उसकी जो मस्टैच है, मस्टैच का मतलब होता है मूंछ, उस मूंछ को वो ऐसे करके पूरा ऐंठता है और बोलता है, आई शो यू हाउ टू डू इट राइट, मैं दिखाता हूँ कि कैसे इसे उठाते हैं, सही तरीका क्या है गाय को उठाने का, ठीक है। और देखो क्या होता है अब। द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड, अब पुलिसमैन भी है और मिल्कमैन भी है, और वो दोनों मिलके गाय को खींच रहे हैं कि गाय जो है वो रोड पर से उठ जाए, ठीक है। दोनों मिलके खूब खींच रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि अरे प्लीज उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ, लेकिन बट द काउ वाजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे, लेकिन गाय तो कहीं जाने वाली नहीं थी उस दिन। गाय जो थी उसने भी ठान लिया था कि मैं तो आज कहीं हिलने वाली नहीं हूँ। Along came a grocer with bags of potatoes and peas. और तभी वहाँ पे कौन आता है? एक grocer. Grocer कौन होता है? जो सब्जियाँ बेचता है, ठीक है, और fruits बेचता है. Fruit seller और vegetable seller को बोलते हैं grocer. तो कौन आता है? Grocer आता है और उसके पास bag full of क्या है? Potatoes हैं और peas हैं. Peas और potatoes से भरी हुई bags हैं. He said, I'll move this cow with greatest strength. और वो कहता है कि मैं इस काऊ को क्या करूंगा? हटा सकता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। अब है कि the grocer, the policeman and the milkman pulled and tugged and prayed. तो grocer, policeman और मिल्कमैन तीनों मिल करके पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अरे भाई उठ जाओ, प्लीज़ उठ जाओ, ठीक है, प्लीज़ उठ जाओ। लेकिन वो कहाँ इनकी बात मानने वाली है, वो नहीं उठेगी आज, ठीक है। तो बट द काउ वॉजंट गोइंग एनी वेयर दैट डे, काऊ जो थी उसने भी ठान ली थी कि आज तो मैं नहीं उठूँगी, आज तो मैं बस यहीं बैठी ही रहूँगी, ठीक है, तो वो नहीं उठती है। अब क्या होता है? Along came a wrestler. अब कौन आता है भाई? तो आता है एक wrestler, ठीक है। Along came a wrestler. His mustache is gleaming in the sun. तो wrestler कौन होते हैं? पहलवान, ठीक है, पहलवान। इनसे तो जरूर उठ जाएगी, है ना, इससे तो उठ जानी चाहिए, हाँ। और उसके जो muscles हैं, उसकी जो मांसपेशियां हैं wrestler की, वो क्या कर रही है? उसके ऊपर रेसलर्स जो होते हैं ना, जो कुश्ती लड़ते हैं, वो खूब अपना शरीर का खूब ध्यान रखते हैं, खूब खाते भी हैं ताकि खूब सारा स्ट्रेंथ हो, और खूब मालिश करते हैं, है ना, शरीर की खूब मालिश करते हैं। तो मालिश की वजह से क्या कर रहा था? उसका मसल्स जो है वो चमक रहा था, वॉज ग्लीमिंग इन द सन। वो क्या कर रहा था? चमक रहा था, वो ग्लीम कर रहा था सन में। एंड ही सेड, I have strength of 10 horses. और उसने कहा कि मेरे पास कितने horses की strength है? 10 घोड़ों की strength है। I have the strength of 10 horses. ठीक है, 10 घोड़ों की strength है। So this should be fun. तो ये तो बहुत मजेदार होगा। गाय को आज उठाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो 10 घोड़ों की ताकत है। ठीक है, तो आज तो मैं गाय को जरूर उठा लूंगा। ठीक है, वो ऐसा बोलता है। So this should be fun. तो ये बहुत ही फनी होगा मेरे लिए, बहुत ही मजेदार होगा। क्या करना? गाय को उठाना। The wrestler, the grocer, the policeman and the milkman pulled and tugged and prayed. अब कौन कौन है भाई? Wrestler है, उसके बाद grocer है, policeman है और milkman है। तो पहलवान है, सब्जी बेचने वाला है, policeman है
और दूध वाला है और सब मिलके क्या कर रहे हैं, दे पुल एंड टग एंड प्रेड। लेकिन लेकिन क्या हुआ, बट द काउ वाजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे। लेकिन काउ तो कहीं जाने वाली नहीं है उस दिन, काउ इज नॉट गोइंग टू मूव, यानी कि रेसलर भी फेल हो गया है ना, रेसलर भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, रेसलर भी जो है वो काउ को उठा नहीं पाता है। अलोंग केम द आइसक्रीम मैन जिंगलिंग हिज कार्ट, कूल डाउन इट कांट बी टू हार्ड। तो वो कहता है, तभी वहां पे कौन आता है, एक आइसक्रीम सेलर, ठीक है। तो आइसक्रीम सेलर जो है वो किसके साथ आता है, जिंगलिंग हिज कार्ट, जिंगलिंग हिज कार्ट मतलब उसका जो कार्ट होता है, उसकी जो गाड़ी होती है, उस गाड़ी में वो आइसक्रीम रखता है, उस गाड़ी के ऊपर एक घंटी लगी होती है जो वो बजती रहती है ताकि बच्चे जो है वो अट्रैक्ट होके उसकी आइसक्रीम की तरफ आते हैं, है ना। तो वो जिंगलिंग मतलब वो आवाज़ करती हुई कार्ट को लेकर के आता है और बोलता है, अरे कूल डाउन, शांत हो जाओ, जैसे उसकी आइसक्रीम शांत है वैसे मतलब कूल है, वैसे ही वो लोगों को भी बोलता है कि अरे बी कूल, ओके कूल डाउन, इट कांट बी टू हार्ड, इतना भी मुश्किल नहीं है। क्या करना, गाय को रोड पर से हटाना जो है वो इतना भी मुश्किल नहीं है। और फिर जो है वो द आइसक्रीम मैन, द ग्रोसर, द पुलिस मैन, ठीक है, द आइसक्रीम मैन, द ग्रोसर, द पुलिस मैन, द मिल्क मैन क्या करते हैं, दे पुल एंड टग एंड प्रे, और वो पुल करते हैं, टग करते हैं और प्रे करते हैं, ठीक है। लेकिन गाय जो है शी इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, लेकिन गाय ने भी ठान ली थी कि चाहे मुझे कितना भी हिला लो डुला लो, कितना भी मना लो, मैं तो यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ, ठीक है। फिर वहाँ पे आता है क्या, एक छोटा बच्चा, देयर कम्स अ लिटिल बॉय, ही हेल्ड आउट अ शीफ ऑफ टेस्टी ग्रीन, और वो क्या करता है, उसके हाथ में कुछ क्या है, कुछ हरी हरी घास की पत्तियां हैं, क्या है, शीफ ऑफ हेल्दी सॉरी टेस्टी ग्रीन, यानी कि उसके पास कुछ घास की पत्तियां हैं, हम इस फोटो में देखेंगे, ये देखो है ना। क्या करता है, एक छोटा बच्चा आता है और उसके पास क्या है, उसके पास कुछ घास की पत्तियां हैं, और वो क्या करता है, वो काऊ को देता है उसे खाने के लिए, क्या करता है, काऊ को देता है कि लो खा लो। द काऊ बिगैन टू च्यू, और वो काऊ जो किसी की भी बात ही नहीं मान रही थी, वो क्या करती है, वो पत्तियां खाने लगती है, और जब वो खाने लगती है तो वो उसे प्यार से क्या करता है, साइड में लेके आ जाता है, फॉर ही न्यू व्हाट टू डू, क्योंकि उस बच्चे को बिल्कुल पता था कि उसे क्या करना है, वो बिल्कुल जानता था कि गाय को जो है वो कैसे हटाना है ना। तो वो बिल्कुल उसे वहाँ से लेकर के आ जाता है, बिकॉज ही न्यू व्हाट ही इज गोइंग टू डू, ठीक है। अब द ग्रोसर क्लैप्ड, तो ग्रोसर ने क्या किया, क्लैप किया। द पुलिसमैन ट्वर्ल्ड हिज स्टिक इन जॉय, और पुलिसमैन ने अपना डंडा घुमाया, किसमें, खुशी में, इन जॉय। द रेसलर ग्रिंड, और रेसलर ने क्या किया, वो भी हंसा, ठीक है। ग्रिन करना मतलब क्या होता है, हंसना, ठीक है। द आइसक्रीम मैन वूप्ड, और आइसक्रीम मैन जो है उसने क्या किया, वूप किया, अच्छा। At the cleverness of the boy, everybody was very happy at the cleverness of the boy. सबने जो है अपनी तरीके से ये दिखाया कि वाह बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा काम किया तुमने, at the cleverness of the boy. The milkman happily clattered his pail. और milkman ने क्या किया, उसकी जो बाल्टी थी दूध वाली उसको उसने बजाया, खुशी में क्या किया, उसने अपनी दूध की बाल्टी बजाई। Being kind and loving is best force and strength can is best for force and strength can fail. तो last line जो है यही हमारे इस lesson की theme भी है। तो वो ये क्या कहती है कि being kind and loving is best. अगर हम किसी को थोड़ा प्यार दिखाते हैं, थोड़ा अपनापन दिखाते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी दया दिखाते हैं, तो वो क्या है, वो बेस्ट चीज़ है, वो क्या है, वो सबसे अच्छी चीज़ है,
क्यों? क्योंकि फोर्स और स्ट्रेंथ जो है वो फेल हो सकती है, लेकिन प्यार और अपनापन जो है वो कभी भी फेल नहीं हो सकता है. ठीक है, फोर्स एंड स्ट्रेंथ कैन फेल, एंड वी हैव सीन इन दिस स्टोरी दैट फोर्स एंड स्ट्रेंथ हैज फेल्ड. रेसलर, पुलिसमैन, मिल्कमैन, ग्रोसर सब ने एक साथ मिलके फोर्सफुली गाय को चाहा कि गाय जो है वो रोड से हट जाए, लेकिन गाय नहीं हटी. लेकिन एक छोटा बच्चा, उसने क्या किया, उसने थोड़ा सा गाय को हाथ फेरा, थोड़ा सा उसे खाने के लिए दिया और थोड़ा सा प्यार से उसे बोला, तो गाय जो है वो उसके साथ साथ चली गई रोड के साइड में. तो हम क्या देखते हैं कि फोर्स और स्ट्रेंथ जो है वो फेल हो जाता है, लेकिन बींग काइंड एंड लविंग जो है वो कभी फेल नहीं होता है. ही इट इज ऑलवेज द बेस्ट, एंड दिस इज ऑल्सो द थीम ऑफ आवर स्टोरी दैट वी शुड बी काइंड टू एवरीवन. वी शुड बी काइंड, हमेशा किसी के ऊपर स्ट्रेंथ देके ही हमें उससे काम नहीं करवा सकते हैं. हम अगर उसके साथ थोड़ा सा काइंड होंगे, थोड़े से लविंग होंगे, तो भी हम उससे काम निकलवा सकते हैं. ठीक है, वी शुड बी काइंड. ठीक है, अच्छा मीठे वचन अगर हम बोले, अच्छे बोल बोले, तो भी हम किसी से भी काम करवा सकते हैं. अच्छे वचन बोल के, अच्छे बोल बोल के भी हम लोगों से काम करवा सकते हैं. हमें हमेशा जो है स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है, स्ट्रिक्ट होके ही हम काम नहीं करवा सकते हैं. तो क्या है स्टोरी? द स्टोरी इज अबाउट अ काउ हु वाज इन अ बैड मूड सिटिंग डाउन इन द मिडल ऑफ द रोड. तो स्टोरी जो है एक काउ की है जो कि बहुत ही बैड मूड में थी और रोड के मिडल में बैठी हुई थी. ठीक है, एंड रिफ्यूज टू मूव, और बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी क्या करना, रोड पर से हटना. ठीक है, और क्या होता है, मैनी पीपल, बहुत सारे लोग जैसे कि पुलिसमैन, मिल्कमैन, ग्रोसर, रेसलर, ठीक है, ये सारे लोग जो हैं वो मिल करके केम ट्राई टू मूव द काउ, और वो आते हैं और वो सब एक साथ मिल के काउ को हटाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, बहुत कोशिश करते हैं कि काउ जो है वो वहाँ से हट जाए. ठीक है, बट द काउ कुड नॉट डू सो, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं. ठीक है ना, बट दे कुड नॉट डू सो, वो वैसा कर नहीं पाते हैं, उस वो काउ को हटा नहीं पाते हैं. Finally, a little boy made the cow get up. लेकिन एक छोटा बच्चा वो काउ को जो है वो हटा देता है, उठा देता है वहाँ से finally. और वो कैसे उठाता है उसको, वो क्या करता है, वो उसे थोड़ी सी हरी हरी पत्तियाँ देता है और पत्तियाँ देके उसे थोड़ा प्यार करता है, और उस प्यार से, पत्ती खिलाने से काउ जो है वो बहुत ही खुश होती है, हैप्पी होती है, और वो वहाँ से उठ जाती है. This made the cow get up and move to the side. और ये जो है काउ को क्या करता है, एक तरफ ले जाने में हेल्प करता है. तो हम इससे क्या, इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं कि हमें हमेशा स्ट्रेंथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी काम करवाने के लिए, बल्कि हम उसे अगर थोड़ा सा प्यार दे, अपनापन दे, इफ़ वी आर लविंग एंड केयरिंग टूवर्ड्स दैट पर्सन और दैट एनिमल, ठीक है, तो ही विल श्योरली डू आर वर्क. ओके, नाउ लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स ऑफ द स्टोरी. तो सबसे पहले क्या है, मिल्कमैन. मिल्कमैन कौन होता है, जो दूध बेचता है, वन हु सेल्स मिल्क. सबके घर में आता है ना दूध देने वाला, उसी को हम बोलते हैं मिल्कमैन. हाँ, दूध दोने वाला जो ग्वाला आते हैं, जो हमारे घर में बड़ी बड़ी सिलिंड्रिकल कैंस होती हैं उनके पास, उसमें बड़ा सारा दूध भर के वो लाते हैं और देके जाते हैं घर में सबको. ठीक है, मूड. मूड क्या होता है, स्टेट ऑफ माइंड. जैसे बोलते हैं ना कि आज मेरा मूड बहुत ख़राब है, यानी हमारा दिमाग जो है वो अच्छे स्टेट में नहीं है. तो मूड क्या होता है, स्टेट ऑफ माइंड. खराब मूड, अच्छा मूड, यानी अच्छा स्टेट ऑफ माइंड, खराब स्टेट ऑफ माइंड. उसके बाद नेक्स्ट है रिफ्यूज्ड. ठीक है, तो रिफ्यूज्ड का क्या मतलब है, रिफ्यूज्ड का मतलब है टू रिजेक्ट, यानी बात नहीं मानना. ठीक है, टू रिजेक्ट, किसी भी चीज़ को नहीं मानते हैं अगर हम, तो हम बोलते हैं कि रिफ्यूज़. ओके, जैसे कि आई रिफ्यूज़ टू डू
द होमवर्क। अगर एक बच्चा बोलता है कि मैं होमवर्क नहीं करूंगा तो वो क्या करेगा, आई रिफ्यूज टू डू द होमवर्क, है ना। नेक्स्ट इज ग्रॉसर। ग्रॉसर कौन होते हैं? वन हु सेल्स फूड आइटम्स, जो क्या करते हैं, फूड आइटम्स को सेल करते हैं, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स जो सेल करते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रॉसर। ओके, द नेक्स्ट इज रेसलर। तो रेसलर क्या करते हैं, पहलवान, जो कुश्ती करते हैं, जो फाइट करते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं रेसलर। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेड। प्रे का करना मतलब होता है प्रार्थना करना। तो यहाँ पे लिखा है टू थैंक गॉड, हम जो गॉड को प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं उसमें। लेकिन जो हमारी स्टोरी है उसमें किसको प्रे कर रहे हैं, सभी लोग काऊ को प्रे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दे आर प्रेइंग द काऊ, व्हाई, बिकॉज दे वांट इट टू गेट अप। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज रिफ्यूज्ड। वी हैव ऑलरेडी रिफ्यूज्ड जो है इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, इसका मतलब होता है कि रिजेक्टेड। नाउ इट इज बेग्ड। बेग्ड का मतलब क्या होता है, बेग्ड मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय बेग्ड? बेग्ड मतलब कि रिक्वेस्ट करना, ठीक है, क्या करना, प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। ओके, नाउ प्लीडेड। प्लीडेड का मतलब भी यही होता है, बेग्ड। ओके, सो दीज ऑल वर्ड्स, इसका सबका मतलब होता है प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। कौन कौन से वर्ड, बेग्ड का, प्लीडेड का, प्रेड। ओके, फिर है नेक्स्ट वर्ड इज टग। टग्ड, तो टग का मतलब होता है टू पुश और पुल, जैसे कि टग ऑफ वॉर में होता है ना। टग ऑफ वॉर में हम क्या करते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं, तो पुश पुल करने को क्या कहा जाता है, टग। ओके, ग्लीमिंग। ग्लीमिंग का मतलब क्या होता है, शाइनिंग, चमकना। अगर कोई चीज ग्लीम कर रही है मतलब वो क्या हो रही है, वो चमक रही है, ठीक है। फिर है ट्वर्लिंग। ट्वर्लिंग का मतलब क्या है, ऐसे करके टर्न करना, टर्न, ठीक है, जैसे कि मूंछों को टर्न कर रहा था पुलिसमैन, फिर वो अपनी स्टिक को टर्न कर रहा था, तो ये क्या है, ये ट्वर्लिंग का मतलब होता है टू टर्न। फिर ग्रोसर, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वन हु सेल्स वेजिटेबल्स फूड आइटम्स। ओके, ईज। ईज का मतलब होता है ईजी। ईज इज अनदर वर्ड फॉर ईजी और कंफर्टेबल। ओके, सो नाउ देयर आर मेनी मोर वर्ड्स। और इसमें है क्या, इसमें है जिंगलिंग। तो मैंने बताया था आइसक्रीम की जो काट होती है उसके ऊपर एक बेल लगी होती है जो जिंगल करती है, यानी कि रिंगिंग, रिंग करती है, लगता है जैसे जिंगलिंग कर रही है। जिंगल मतलब वही रिंग करना। शीफ, शीफ मतलब क्या, एक बंच, बंच मतलब क्या कहते हैं, गुच्छा, है ना। तो शीफ मतलब क्या हुआ, गुच्छा, बंच या फिर बंडल, गुच्छा। उसके बाद ग्रिंड। ग्रिंड का मतलब क्या होता है, टू स्माइल, हंसना, मुस्कुराना। क्लेवरनेस, क्लेवरनेस मतलब क्या होता है, चालाकी, स्मार्टनेस, ठीक है, चतुराई, इसको बोलते हैं क्लेवरनेस। उसके बाद स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब तो सबको पता है, पावर, एनर्जी, है ना। फिर है क्लैटर्ड। क्लैटर्ड मतलब क्या, ये हुआ क्लैटर्ड, दिस इज क्लैटर्ड। क्लैटर्ड मतलब क्या, आवाज जो हम करते हैं, जैसे कि मिल्कमैन कर रहा था बाल्टी में, ऐसे 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 ऐसा आवाज कर रहा था बाल्टी में, तो इसको बोलते हैं क्लैटरिंग। चूड़ियां क्लैटर करती है ना, चूड़ियां जो है वो क्लैटर करती हैं ऐसे करके, ठीक है, तो क्लैटर्ड। ओके, उसके बाद क्या है, पेल। पेल का मतलब होता है बकेट, जिसमें दूध निकालते हैं गाय वाले, गाय के दूध वाले, उसको बोलते हैं पेल। ओके, नाउ वी विल सी, वी हैव मेड सम सेंटेंसेस विद द न्यू वर्ड्स, ठीक है, जो न्यू वर्ड्स हैं उससे हमने कुछ सेंटेंसेस बनाई हैं, वो भी हम देख लेते हैं। पहला क्या है, मिल्कमैन। तो मिल्कमैन कम्स इन द मॉर्निंग, पहला सेंटेंस क्या है, मिल्कमैन है, और इसका क्या है, इट कम्स इन द मॉर्निंग। फिर है मूड। मूड मतलब बताया था मैंने, मूड द स्टेट ऑफ माइंड। तो आई वॉज इन अ मूड टू टॉक टू माई सिस्टर, तो मैं आज अपनी सिस्टर से बात करने के मूड में
था, है ना, आज मेरा मन था, मूड था कि मैं अपनी सिस्टर से बात करूं। मिडिल, मिडिल मतलब क्या होता है, बीच में। तो इट वॉज रेनिंग ड्यूरिंग द मिडल ऑफ जनवरी। तो जनवरी में बारिश नहीं होती है ना, तो जनवरी के बीच में अगर बारिश हो रही है तो बोल उसको बोलेंगे इट वॉज रेनिंग ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द जनवरी। रिफ्यूज का मतलब इनकार करना, ही रिफ्यूज टू कम एट माई पार्टी, तो उसने मेरी पार्टी में आने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। नेक्स्ट इज पुलिसमैन, तो पुलिसमैन वॉज बीटिंग द मर्डरर। पुलिसमैन जो है वो क्या कर रहा था, क्रिमिनल को बीट कर रहा था, ठीक है, ही वॉज बीटिंग द थीफ मर्डरर। नेक्स्ट इज ग्रॉसर, तो ग्रॉसर क्या कर रहा है, द ग्रॉसर इज बिजी क्लीनिंग हिज शॉप। ग्रॉसर अपनी शॉप को क्लीन करने में बिजी है। फिर क्या है, रेस्लर, तो रेस्लर का क्या हो जाएगा, इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द रेस्लर। रेस्लर को कंट्रोल करना क्या है, डिफिकल्ट है, रेस्लर को कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट था, पहलवान को डिफिकल्ट था कंट्रोल करना। फिर आइसक्रीम, आइसक्रीम से तो बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं, यहाँ पे है कि आई हैड अ चॉकलेट आइसक्रीम आफ्टर द डिनर, मैंने क्या खाया, चॉकलेट आइसक्रीम खाया डिनर के बाद। नेक्स्ट सेंटेंस इज प्रेड, सो आई प्रेड फॉर बेटर ग्रेड्स इन माई एग्जामिनेशन। मैंने प्रेड का मतलब होता है प्रार्थना करना, और मैंने प्रार्थना की क्या कि मुझे अच्छे मार्क्स आ जाएं, किसमें, एग्जामिनेशन में। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर्स, ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर्स। व्हाई डिड द काऊ रिफ्यूज टू गेट अप, काऊ जो है वो उठ क्यों नहीं रही थी, तो काऊ जो थी वो इसलिए उठ नहीं रही थी बिकॉज शी वॉज इन अ बैड मूड। मैंने बताया था कि उसका मूड खराब था इसलिए वो नहीं उठ रही थी, ठीक है। तो वाई वॉज द काऊ, वाई डिड द काऊ रिफ्यूज टू गेट अप, बिकॉज शी वॉज इन अ बैड मूड, जिसका मूड खराब था उसे उठने का मन नहीं कर रहा था इसलिए वो नहीं उठ रही थी, ओके। नेम दोज हु ट्राइड टू मेक द काऊ मूव, अब उन लोगों के नाम बताओ जिन्होंने क्या किया, काऊ को मूव करने में हेल्प किया, ठीक है। तो कौन कौन थे वो लोग, दे वेयर द पुलिसमैन, मिल्कमैन, ग्रॉसर एंड रेस्लर। पुलिसमैन ने, मिल्कमैन ने, ग्रॉसर ने और रेस्लर ने हेल्प किया काऊ को मूव करने के लिए, ओके। नाउ नेक्स्ट इज हु फाइनली मेड द काऊ गेट अप एंड हाउ, और कौन था जिसने काऊ को उठा दिया, कौन था जिसने काऊ को उठा दिया, यस द लिटिल बॉय, अ लिटिल बॉय फाइनली मेड द काऊ गेट अप। तो किसने उठा दिया, अ लिटिल बॉय, ओके, ही मेड द काऊ च्यू द शीफ ऑफ टेस्टी ग्रीन। उसने कुछ हरी हरी पत्तियां लेकर आया, एक बंडल, शीफ मतलब बंडल, और उसने क्या किया, उसे दिया खाने के लिए और इस तरह से उसने क्या किया, काऊ को उसकी जगह से उठा दिया। दिस मेड द काऊ गेट अप एंड मूव टू द साइड, और इस तरह से काऊ जो है वहां से उठ के और वो दूसरे साइड में चली गई, है ना, कितना इजी था, लेकिन कितने सारे लोग कितने परेशान थे, हा? अब ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, और इसको बस अगर हम समझ जाते हैं तो हम बहुत इजीली हम कुछ और भी लिख सकते हैं, अपने मन की बात भी लिख सकते हैं। तो दिस इज इट्स, दिस क्वेश्चन इज नॉट लाइक इट इज बाउंडेड दैट यू हैव टू राइट दिस आंसर ओनली, एक्सक्यूज मी, यू कैन राइट योर ओन आंसर्स ऑल्सो, ओके। सो वी कैन मेक पीपल डू मोर थिंग्स विद काइंडनेस देन विद क्रुएलिटी और फोर्स। तो यही है जो हमारे स्टोरी की थीम क्या है, कि अगर हम लोगों के साथ काइंड होंगे तो हम उनसे काम करवा सकते हैं, और ना कि उनके साथ अगर हम क्रूएल होते हैं, ठीक है ना, या फिर फोर्सफुली कुछ करवाएं, उससे बेटर है कि हम उनके साथ काइंड होके भी काम करवा सकते हैं। डू यू एग्री, क्या तुम इस बात से सहमत हो, वॉट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, टेल द क्लास अबाउट अ टाइम व्हेन यू वर काइंड टू एन एनिमल। कभी क्या तुमने कभी किसी एनिमल की हेल्प की है, अगर किसी एनिमल की कभी हेल्प की है तो वो इंसिडेंट क्लास को बताओ, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो है कि आई एग्री दैट वी कैन मेक पीपल डू मोर थिंग्स विद काइंडनेस देन विद क्रुएलिटी और फोर्स। तो मुझे लगता है
कि हम जो हैं लोगों को काइंडनेस से, लव से ज़्यादा काम करवा सकते हैं और वो मन से करेंगे। अगर हमें उन्हें फोर्सफुली करवा रहे हैं कोई काम, तो उनका मन नहीं लगेगा, उन्हें लगेगा कि अरे हमसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, और वो उस काम को बहुत मन से नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम उन्हें प्यार से करवाएं, उनसे काइंडली काइंडनेस दिखा के कराएं, तो वो उस काम को बहुत ही मन से करेंगे। उन्हें लगेगा कि अरे वाह, ही थिंक्स अबाउट मी, ही थिंक्स सो मच अबाउट मी, तो आई शुड डू दिस वर्क फॉर हिम, है ना। इफ़ ही इज़ थिंकिंग सो मच अबाउट मी, देन आई शुड ऑल्सो डू दिस वर्क फॉर हिम। हो जाता है ना ये चीज़। तो इसीलिए हम जो भी है काइंडनेस से हम ज़्यादा काम करवा सकते हैं और मन से काम करवा सकते हैं, रादर देन यूजिंग क्रुएलिटी और फोर्स। दिस इज़ वॉट वी सी इन दिस लेसन ऑल्सो। और इस लेसन में भी हमने यही चीज़ देखा है, है ना। देखा है ना कि कैसे उस बच्चे ने जो है वो अपनी काइंडनेस से गाय को उठा दिया, फोर्सफुली उठाने की कोशिश कर रहे हैं, चार चार लोग मिलके उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो गाय जो है वो उठना नहीं चाह रही है और नहीं उठती है, बल्कि एक छोटा बच्चा वो उसे थोड़ा सा प्यार से घास खिलाता है और वो उठा देता है, ठीक है। व्हाट टू टॉक ऑफ ह्यूमंस, इवन एनिमल्स फॉलो द लैंग्वेज ऑफ लव एंड काइंडनेस। तो ह्यूमंस की क्या बात करें कि एनिमल्स को भी अगर हम लव और काइंडनेस दिखाएंगे तो वो हमें क्या करते हैं, वो हमारे साथ देते हैं, ठीक है। वंस आई वॉज गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस, और ये वो कहानी है जब मैंने खुद एक एनिमल की हेल्प की थी। लास्ट में हमें वो इंसिडेंट है जो हमने डिस्क्राइब करना है, जब हमने किसी एनिमल की हेल्प की थी। तो इसमें ये मेरी स्टोरी है। यू कैन राइट योर ओन स्टोरी इफ़ यू हैव हेल्प्ड एनी एनिमल, तो तुम वो कहानी वहाँ पर लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोरी, इसी स्टोरी के जैसे। वंस आई वॉज गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस व्हेन आई सॉ एन इंजर्ड पपी। एक बार मैं अपने फ्रेंड के घर जा रहा था जब मैंने देखा कि एक पपी है जो क्या है, जख्मी है, जख्मी हालत में है, ठीक है। एंड बॉट इट टू माई हाउस, और मैंने उसे अपने घर में ले आया। आई वॉश द वुंड, मैंने उसके घाव को साफ किया और उस पर बैंडेज बांधा, और मैंने उसे थोड़ा सा ब्रेड दिया, मिल्क दिया, एंड केप्ट इट इन द हाउस फॉर 3 days, और फिर मैंने उसे 3 दिन तक अपने घर में रखा, ठीक है। तो ये एक कहानी है जो हमने किया था और अभी भी हम करते हैं। देर आर मैनी स्ट्रीट डॉग्स जो हमारे घर के पास रहते हैं, हम उन्हें जो भी है खाना पानी देते हैं, एंड दे आर वेरी लॉयल टू अस। स्ट्रीट डॉग्स हैं और वो हमारे लिए बहुत लॉयल हैं, बिकॉज वी सेव देम फ्रॉम पीपल, वी सेव देम फ्रॉम चिल्ड्रन हु वॉन्ट टू हर्ट देम, एंड वी गिव देम फूड। तो वो बहुत लॉयल होते हैं इतना सही करने से। तो मैं ये भी बोलूँगी कि यू शुड ऑल्सो मेक दिस इन प्रैक्टिस टू हेल्प एनिमल्स एंड टू बी काइंड टू एनिमल्स, ओके। यू ऑल्सो जस्ट कीप इट इन योर प्रैक्टिस। Now there is one more question. Do you do an action always in the same way? Actions kya hum hamesha ek hi tarike se karte hain? No. We can do actions in many different ways. To yahan pe 3 actions hain, and how we do it we have to mention it. Okay, to pehla hai ki how do you talk to visitors? Visitors se hum kaise baat karte hain? Karna chahiye. How do we talk to visitors? We should talk with them politely. कैसे बात करना चाहिए? Politely बात करना चाहिए, okay? Then है how do you talk to your friends in the playground? Friends के साथ playground में खेल रहे हैं तो क्या करना चाहिए? उनके साथ झगड़ा करना चाहिए? नहीं, क्या करना चाहिए? We should talk to them in a friendly manner. कैसे बात करना चाहिए? In a friendly manner, okay? How do you talk to your teacher in the class? Teacher से कैसे क्लास में बात करते हैं? With respect, in a respectful manner. ठीक है? We talk to a teacher with respect. तो ये different ways हैं. एक teacher से, एक friend से, एक अनजान आदमी से अगर हम बात करते हैं, तो एक अनजान आदमी से हमें politely बात करना चाहिए, friend से friendly way में बात करना चाहिए, और teacher से respectfully बात करना चाहिए.
ओके, नाउ फिल इन द वर्ड्स ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. ओके, तो इंसेक्ट्स क्रॉल ऑन द वॉल. इंसेक्ट्स वॉल पे क्रॉल कर सकते हैं? यस, इंसेक्ट्स जो हैं वो कैन क्रॉल ऑन द वॉल. जैसे कि चींटी, चींटी क्रॉल कर लेती है ना वॉल्स पे. हाँ, फिर द ग्रोसर वॉज डैश टू मूव द काउ. एबल था कि अनेबल था? यस, ही वॉज अनेबल टू मूव द काउ. ओके, ही वॉज अनेबल टू मूव द काउ. उसके बाद है इट वॉज डैश फॉर द बॉय टू मेक अप मेक द काउ गेट अप. काउ बॉय के लिए कैसा था? इजी था कि डिफिकल्ट था? यस, इट वॉज वेरी इजी फॉर द काउ बॉय टू मेक द काउ गेट अप, है ना. उसके बाद है चिल्ड्रन डैश वॉक ऑन देयर हेड्स. चिल्ड्रन क्या कर सकते हैं? कैन दे वॉक ऑन देयर हेड्स? नो, चिल्ड्रन कैन नॉट वॉक ऑन देयर हेड्स. कैन नॉट, नहीं वॉक कर सकते हैं अपने सिर के बल. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज समटाइम्स लव एंड काइंडनेस डैश वेयर फोर्स विल डैश. लव एंड काइंडनेस क्या हो जाती है? सक्सीड हो जाती है. और फोर्स जो है वो क्या हो जाती है? सक्सीडेड वेयर फोर्स एंड विल फेल हो जाती है, है ना. वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स और क्रूएल टू एनिमल्स. वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू राइट फ्रॉम द स्टोरी मिल्कमैन्स काउ फाइंड द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द एक्शन वर्ड्स. यहाँ पे कुछ एक्शन वर्ड्स दिए गए हैं, उसके पास्ट टेंस जो है वो यूज किया गया है इन द स्टोरी. सो वी जस्ट हैव टू पिक इट अप फ्रॉम द स्टोरी. तो हम देख लेते हैं क्या है. पुल है, पुल मतलब खींचना, उसका पास्ट टेंस होता है पुल्ड. ओके, लीड, लीड का पास्ट टेंस क्या होता है? लेड, एल ई डी, लेड. उसके बाद है कम. व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ कम? इट्स केम, सी ए एम ई, केम. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. से, व्हाट इज द पासवर्ड पास्ट टेंस ऑफ से? से मतलब बोलना. तो बोलने का पास्ट टेंस क्या होता है? बोला, सेड, एस ए आई डी, सेड. बिगिन, बिगिन मतलब क्या? शुरू करना, शुरुआत करना. तो बिगिन का पास्ट क्या होता है? बिगैन, शुरू किया, बी ई जी ए एन, बिगैन. फिर है नो, नो मतलब जानना. तो जानना का पास्ट टेंस जो कि बुक में यूज किया गया है वो क्या है? न्यू, के एन ई डब्ल्यू, न्यू. उसके बाद है लर्न, लर्न मतलब सीखना. तो सीखने का पास्ट टेंस क्या होगा? लर्नड, एल ई ए आर एन टी, लर्नड. ओके, उसके बाद है ग्रो, ग्रो का पास्ट टेंस क्या होगा? ग्रो मतलब बढ़ना. तो उसका पास्ट टेंस क्या होगा? ग्रियो, बढ़ा, जी आर ई डब्ल्यू, ग्रियो. नेक्स्ट इज प्रे, प्रे का पास्ट टेंस क्या है? प्रेड, प्रे का पास्ट टेंस क्या है? प्रेड, पी आर ए वाई ई डी, प्रार्थना करना, प्रार्थना किया. टग, टग का मतलब होता है खींचना या मतलब या तो खींचना या फिर धक्का देना, टग करना. तो टग का जो पास्ट टेंस यूज किया गया है वो क्या है? टग्ड. ओके, टग्ड. नाउ कंप्लीट व्हाट इज मिसिंग इन दीज ड्राइंग्स. तो यहाँ पे ड्राइंग्स जो भी हैं बुक में, तुम लोग देखोगे कि एक ड्राइंग है उसमें जो फेस है वो मिसिंग है. तो उसको व्हाट द वर्क डू दीज मैन और वुमेन डू. और उसके बाद हमें पता करना है कि ये लोग क्या काम करते हैं. तो मिल्कमैन क्या करता है? मिल्कमैन सेल्स काउज मिल्क, दूध बेचता है. ग्रोसर क्या करता है? ग्रोसर जो है वो फूड और डोमेस्टिक आइटम्स सेल करता है. पुलिसमैन क्या करता है? चोरों को पकड़ता है, विसल बजा के चोरों को पकड़ता है. आइसक्रीम मैन क्या करता है? आइसक्रीम मैन सेल्स आइसक्रीम. और रेसलर क्या करता है? पहलवान क्या करते हैं? कुश्ती करते हैं एक दूसरे से. हाँ, विद दिस वी कंप्लीट द लेसन.
So what did we learn in the lesson? We learned that if we are kind to animals, we can make them do any work. अगर हम animals के साथ kind रहेंगे तो हम उनसे कोई भी काम करवा सकते हैं. ये हमने सीखा. और दूसरा क्या हमने सीखा? हमने ये सीखा कि कौन कौन से professions हैं. ठीक है, जैसे कि दूध वाले को क्या बोलते हैं, पुलिसमैन क्या करता है, ग्रॉसर क्या करता है ना, रेसलर क्या करता है, ये सारी चीज़ें भी सीखी. और हमने और क्या सीखा? हमने सीखा कि पास्ट टेंस, वो टेंस जो स्टोरी होती है वो हमेशा पास्ट टेंस में, क्योंकि वो काम जो है वो हो चुका है, तो उसको हम किस में सुनाते हैं? पास्ट टेंस में सुनाते हैं. ठीक है ना. और जब हम कोई भी चीज़ को पास्ट टेंस में डिस्क्राइब करते हैं या सुनाते हैं तो हम उसके लिए पास्ट के वर्ब यूज़ करते हैं. जो एक्शन वर्ड है उसको किस में यूज़ करते हैं? पास्ट में. और हमने देखा कि कैसे हमने बहुत सारे पास्ट के एक्शन वर्ड्स को इस स्टोरीज में यूज़ किया. तो विद दिस आई कंप्लीट द लेसन एंड आई होप दैट यू ऑल इन्जॉयड द लेसन एंड यू ऑल्सो अंडरस्टूड द क्वेश्चन आंसर्स, द ग्रामर पार्ट ऑफ द लेसन. और इन द एंड आई विल जस्ट से दैट बी काइंड to animals, not just animals, but be kind to everyone, be polite to everyone, and bye bye, take care and be good.